बिहार एसएससी के संबंध में हम सूचना दे दें। जब बिहार एसएससी का जब हम नोटिस देते हैं तो इस पर बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, बिना नाम लिए टीचर भी काफ़ी बोलते हैं कि परीक्षा न होगी, इस साल नहीं होगी, अगले साल परीक्षा होगी। जो अधिकारी परीक्षा लेंगे और जिनसे हमारी संपर्क है, सीरियल थर्ड का भी देख लीजिए वीडियो, बिहार एसएससी पर कम से कम 150 से अधिक वीडियो बनाए हैं, सीरियल 3, सीरियल 4। जब तक कुछ बात की जानकारी होती है तो निश्चित रूप से मैं डालने का प्रयास करता हूँ। सेकेंड इंटर स्तरीय परीक्षा के समय में बता दो, CBT 1 होगा। किसी की हिम्मत नहीं थी कि यह परीक्षा ऑनलाइन लिया जाएगा। आज से 6 महीना पहले जितना भी बनाते हैं वीडियो, जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, जितना भी बनाते हैं वीडियो, उनसे बहुत पहले मैंने बताया था कि CBT 1 होगा। लड़के काफ़ी स्टैंडर्ड कमेंट्स किए थे, इतना स्टैंडर्ड कमेंट्स किए थे, और फ़ोन करके भी लड़के हमको बोले थे कि सर CBT 1 कैसे होगा, इतने लड़का के कैसे परीक्षा लेगी, कहाँ से व्यवस्था करेगी, आपका न्यूज गलत है। फ़ोन किए भी थे, लड़कों को समझाए भी थे। एक लड़का तो यहाँ तक कहा एक दिन फ़ोन करके, देखिए क्या लड़का की मानसिकता होती है। फोन हम मैक्सिमम लड़का को बैक कॉल करते हैं। लड़का कहा कि सेकेंड इंटर स्तरीय परीक्षा सर बोले थे नवंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में होगी परीक्षा, नहीं रखी, आपका न्यूज गलत है, ऐसा भी बोला। हम कहे बाबू सुनो, हम चेयरमैन नहीं हैं, हम सरकार नहीं हैं, लेकिन जो आयोग में बैठे व्यक्ति हैं और जो हाई अथॉरिटी है उनसे हमारी बातचीत होती है, उनसे बड़ी घनिष्ठता है, जो कहते हैं वो तुरंत हम फ्लेस कर देते हैं। उनसे ऊपर भी एक अथॉरिटी है, सरकार है, सरकार जो चाहेगी वही ना होगा जी। लेकिन बिहार एसएससी इतना जान लीजिए, कुछ न कुछ नोटिस बहुत जल्द अपने वेबसाइट पर देने जा रहा है। 10 दिन में दे, 15 दिन में दे, 20 दिन में दे, 1 सप्ताह में दे, लेकिन जल्द वो नोटिस देने जा रहा है कि हम परीक्षा कब ले रहे हैं। कुछ नोटिस जरूर देगा। ये दिन बनाए थे, तांती उती का जो ऑप्शन था वो भी बनाए थे, लेकिन आज जान लीजिए बिहार एसएससी परीक्षा इस साल होगी। हम शुरू से ही कहते हैं, मैंने बोला था नवंबर में होगी परीक्षा, लेकिन ये भी बोला था कि इस साल अगले साल बिहार एसएससी परीक्षा के स्टार्ट नहीं होगा, होगा तो इसी साल बिहार एसएससी परीक्षा के स्टार्ट होगा। जहाँ से मैं पता लगाता हूँ वहाँ वो स्पष्ट रूप से आज भी बोले कि बिहार एसएससी परीक्षा भी जिस साल लेगी, हम लोग का पूरा मूड है और कुछ न कुछ नोटिस डाला जाएगा। देखिए नोटिस आएगा तो आप लोग समझ लीजिएगा कि नोटिस आई है। हम बहुत दिन से बोल रहे हैं, एक टीचर थे वो बोले कि बहुत यूट्यूब पर देखते हैं, बहुत सारे लोग लड़कों को कंसस करने के लिए बनाते होंगे या उनकी मनसा क्या रहती होगी। देखिए लड़के बहुत भी सोचते हो कि व्यू के लिए करते हैं, ये सब गलत बात है जी। अगर व्यू के लिए करते तो मेरे कोचिंग में काफ़ी लड़के रहते हैं, वो भी तो कहते सर व्यू के लिए का ही सब करते हैं, कमेंट्स लोग बढ़िया बढ़िया करता है, सब लड़के भी देखते हैं कमेंट्स। हम इतने जानते हैं कि सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति रहता है तो वह कमेंट्स भी अच्छा सुनता है और दब भी कमेंट्स सुनता है, लेकिन अपना काम करते रहता है, रियल न्यूज पहुंचाते रहता है, जो जानकारी मिलती है वह जानकारी मार्केट में देते रहता है, स्टूडेंट को बताते रहता है। सबसे बड़ी हित है स्टूडेंट किसी भी टीचर के लिए, कोई भी शिक्षक हो, स्टूडेंट से बहुत गहरा लगाव होता है, और कोई भी टीचर हो स्टूडेंट को गलत न्यूज़ नहीं देना चाहता है। सोर्स उसका क्या है टीचर का, जो सोर्स बता रहा है कि सोर्स कहाँ तक पहुँच, सही बता रहा है कि गलत, इस पर निर्भर करता है। आज तक बिहार से रेलवे का भी मैंने बताया था कि सीट बढ़ेगा, रेलवे परीक्षा होगी, जल्द लेगी परीक्षा ली, उसमें लोग बोल रहे थे कि 100% फेक है। मैंने क्या बोला था रेलवे के ऊपर, ये 100% फेक भी ना कह सकते, 100% इसको सही भी ना कह सकते हैं, एक दो दिन वेट रखिए,
आ कल होकर रेलवे ने अपना क्या निकाला, सूचना निकाला, देख लीजिएगा वीडियो में, यही बात बोले थे। जब तक कोई बात की ऑथेंटिक जानकारी नहीं होती तब तक हम वीडियो नहीं बनाते। देखिए कोई भी वीडियो को हम एक लाइन बोल के निकल जाते हैं, लेकिन सेकेंड इंटर स्तरीय पर इस ढंग से इसलिए बोलना पड़ रहा है, टाइम लेना पड़ रहा है कि टीचर बिना नाम लिए हुए बहुत कमेंट्स करते हैं, समझ में नहीं आती कमेंट्स क्यों करते हैं। मेरा भी सोर्स है, उनका भी सोर्स होगा, हवाला क्यों देते हैं किसी के वीडियो का। अब टीचर कहे कि मेरा सोर्स ही कहता है, हम कहे कि टीचर को मैंने कभी आज तक हवाला दिया कि अमुक टीचर ही कहा, फलना टीचर, उससे मतलब उतलब नहीं रहता है हमको। हाँ, लड़कों को सही न्यूज देते हैं। आप जाली जंत में कहना चाहते हैं 10 से 15 दिन 20 दिन के अंदर कोई सूचना आएगी, उसका वेबसाइट पर डालेगा, इसके बाद आपको परीक्षा इस साल होगी। आज से नहीं, शुरू से ही बोल रहे हैं, ये कहे कि आज बोले हैं से नहीं, काफ़ी दिन से बोल रहे हैं कि परीक्षा होगी तो होगी इस साल। तो जो हमको सोर्स कहता है, हम ये भी कहते हैं भूकंप आ जाए, कोई आपदा आ जाए, कोई महामारी आ जाए, स्थिति दयनीय हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तब परीक्षा का बाढ़ आ जाए, तब परीक्षा का एक्सटेंड हो सकता है। ये बार बार इन लाइन को लगाया है क्योंकि इसके विषय बहुत बड़ा अनुभव है। लड़का जब से थे जन्म लिया होगा आज के लड़का, तब से हम एमए कर गए थे। मेरा सेशन था 91 to 93, पटना विश्वविद्यालय दरभंगा हाउस का सेशन था। समझिए जो व्यक्ति 91 to 93 में एमए किया हो दो सब्जेक्ट से, वह व्यक्ति का कितना बड़ा अनुभव है। बीपीएससी का भी इंटरव्यू दिया हो, यूपीएससी भी लिखा हो, वैसे व्यक्ति का कितना बड़ा आपको अनुभव है। तो इस आधार पर हम आपको कभी बरगलाते नहीं, मेरी मानसा नहीं रहती है कि आपको बरगलाने, गलत न्यूज, जो न्यूज मुझे मिलता है तुरंत आपको फ्लैश करते हैं, एक को सेकेंड लेट नहीं करते। 15 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर कोई सूचना वेबसाइट पर दिया जाएगा और सेकेंड इंटर स्तरीय परीक्षा इस बार होगी। धन्यवाद।